dear students in this module we are going to discuss that how family diversity is happening on the global level it's a global portrait of family diversity so family diversity is a term used to describe a wide range of family structures values that exist across different cultures and societies फैमिली डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो किसी भी फैमिली की वैल्यूज़ को जो है वो हम यूनिवर्सल वैल्यूज़ नहीं कह सकते ऐसा नहीं है कि जो वैल्यूज़ किसी एक फैमिली के अंदर मौजूद हैं वो ही उन्हीं वैल्यूज़ की जो रिफ्लेक्शन या रिप्रेजेंटेशन है अक्रॉस द ग्लोब हम फैमिली इंस्टीट्यूशन के अंदर देखेंगे बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर मॉडर्न सोसाइटी के अंदर फैमिली डाइवर्सिटी जो है इट इज़ गेनिंग मोर एंड मोर अटेंशन बिकॉज ऑफ़ द ग्लोबलाइज वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द कनेक्टेड वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया वाइल न्यूक्लियर फैमिलीज रिमेन द मोस्ट कॉमन फैमिली स्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड अदर फॉर्म्स ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग सिंगल पेरेंट फैमिलीज ब्लैंडेड फैमिलीज एंड सेम सेक्स फैमिलीज आर बिकमिंग मोर कॉमन तो चूंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड है हम देख रहे हैं कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके फैमिली यूनिट्स के अंदर भी तब्दीलियाँ आ रही हैं जिनमें ख़ास तौर पर जो मेजर चेंजेस हैं वो ये है कि सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ में इजाफ़ा हो रहा है वहाँ पे चूँकि डाइवर्स रेट बहुत ज़्यादा है तो सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ भी जो हैं वो उसी तादाद से बढ़ रही हैं और माँ या अकेले बाप को जो है बच्चों की परवरिश करना पड़ती है फिर इसके साथ साथ जो ब्लेंडेड फैमिलीज़ हैं जिनमें के दो ऐसी फैमिलीज़ का आपस में रिलेशनशिप होता है या दो ऐसी फैमिलीज़ जो हैं इस रिलेशनशिप की या मैरिटल रिलेशनशिप की वजह से वजूद में आती हैं कि जिनकी पहले डाइवोस हो चुकी होती हैं या सेप्रेशन हो चुकी होती हैं या किसी एक आ, का स्पाउस जो है वो दुनिया में नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फैमिली या, या एक खातून जो है जो डाइवोस्ड है उसकी किसी ऐसे मर्द से शादी होती है जो कि ऑलरेडी पहले से बच्चों वाला है तो दोनों के बच्चे जो हैं वो मिलके या दोनों की फैमिली मिलके जो है वो ब्लेंडेड फैमिली बनाती हैं देन वी सी द सेम सेक्स फैमिलीज़ आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रेवलेंट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड चूँकि वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर होमोसेक्सुअलिटी और इस तरह के रिलेशनशिप्स को जो है वो लीगल स्टेटस हासिल है तो उसकी वजह से जो सेम सेक्स फैमिलीज हैं जैसे दो ख़ातन जो हैं वो मिल के बच्चे की परवरिश करती हैं या जो दो मर्द हैं वो मिल के बच्चे की परवरिश करते हैं तो इस तरह के फैमिली यूनिट्स में भी वेस्टर्न यूरोप के अंदर इजाफा हो रहा है द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इज़लो इवॉल्विंग विद सम कल्चर्स रेकोगनाइजिंग एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क कोहैबिटेटिंग कपल्स और इवन ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स एज फैमिली तो डेफिनेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है आ, जो मोस्ट कॉमन या ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी फैमिली की उसमें ये था कि दो पेरेंट्स और उनके बच्चे जो हैं वो मिल फैमिली बनाते हैं अब ये जो डेफिनेशन है ये सब्जेक्ट चेंज हो चुकी हुई है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो फैमिलीज़ के नए पैटर्न और नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके अंदर दो सेम सेक्स के लोग जो हैं वो भी मिलके फैमिली बना सकते हैं सिंगल पेरेंट फैमिलीज भी एग्जिस्ट करती हैं और ऐसे लोग या ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनकी शायद आपस में शादी नहीं हुई लेकिन उनके रिलेशनशिप की वजह से भी जो है वो फैमिली कंसीडर होते हैं इसके साथ साथ एडॉप्शन जो है बच्चों को अडॉप्ट करना वो भी आ, उसको भी फैमिली की डेफिनेशन का हिस्सा समझा जाता है सो एटीट्यूड टूअर्ड्स मैरिज एंड चाइल्ड रिंग आर ऑल्सो चेंजिंग With some cultural cultures emphasizing individual choice and personal fulfillment over traditional gender roles and family obligations. तो इंडिविजअल चूँकि आज के माशरे में जो है उसको ज़्यादा अहमियत हासिल है नस्बता कोलेक्टिविटी और फैमिली चूँकि कलेक्टिव यूनिट कंसीडर होता था ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर इस वजह से उसमें आपके जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट थे उसको सेक्रीफाइस uh, करना बड़ा अहम समझा जाता था ताकि कलेक्टिव गुड जो है उससे अचीव की जा सके आज के माशरे के अंदर जो फैमिली यूनिट्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि इंडिविजुलाइजेशन को प्रिजर्व किया जाए आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए उसकी बुनियाद के ऊपर ये तय किया जाए ये डिसाइड किया जाए कि फैमिली के गोल क्या होंगे और फैमिली की नॉर्म्स और वैल्यूज़ क्या होंगी then economic and social factors including poverty education and employment opportunities can also impact family diversity to so, family ki diversity ke andar jo ye factors hain khas taur pe aapki education uh masan education ko achieve karne ke liye agar aap uh, किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जाके अगर आपकी शादी होती है तो that is also क्रिएटिंग एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ योर फैमिली के पाकिस्तान में ऐसे लोगों को जो है थोड़ा मायूफ समझा जाता है जो हाउस हसबैंड कहलाते हैं लेकिन अगर वही हाउस हसबेंड जो हैं वो किसी बैरून मुल्क में जा के बसते हैं वहाँ पर जा कर शादी कर लेते हैं अपनी जो सोशल अपनी जो जियोग्राफिक मोबिलिटी है उसकी वजह मैरिज uh, की वजह से वो जियोग्राफिक मोबिलिटी करते हैं तो ऐसे लोगों को जो है वो मायूब नहीं समझा जाता नस्बता उनके जो आप ही की सोसाइटी के अंदर अपने ही कल्चर में रहते हुए हाउस हस्बैंड बनते हैं आ, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये बहुत अहम है आपकी फैमिली डाइवर्सिटी को एक्सप्रेस करने में इसके साथ साथ जो फैमिली डाइवर्सिटी है ये चूँकि बहुत कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग फिनमिनल है इसी वजह से इसको इस अंदाज से देखा जाता है कि दैट हाउ it reflects the changing social cultural and economic realities of the modern world so it's a food for thought for you that you need to observe and you need to judge that how family diversity is impacting the unit of family in pakistani society